Hello my dear friends, welcome back to your favorite YouTube channel TXN Jam. दोस्तों, हमारा और आपका जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हम हमारे जीवन में सर्वगुण संपन्नता को प्राप्त किए हुए हैं। ईश्वर ने हमें बनाया, हम आप ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ने हमें वो सारी चीजों से सुसज्जित किया है जिनकी हमें आवश्यकता है। वो सारी चीजें हमें उपलब्ध कराई गई हैं जिन्हें लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम कर्म करके ही आगे बढ़ सकते हैं। परंतु जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ या दुनिया में कोई भी ये बात कर रहा होता है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो लोग के मन में एक सवाल खड़ा होता है और शायद आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ईश्वर ने हमें सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं तो आज हमारी ये दशा क्या है। दोस्तों, उसका एक ही रीजन है कि जो चीजें हमें उपलब्ध कराई गई हैं हम उनसे परिचित नहीं हैं। आइए कुछ एग्जांपल लेकर इस बात को समझते हैं। आप मार्केट में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, रास्ते में बार्बर शॉप भी दिखता है, उसको देखने के बाद आपके जहन में क्या सवाल आता है? हाँ, यहाँ पे शेविंग कराते हैं। आप और आगे जाते हैं, आपको कोई स्वीट शॉप दिखता है, आपका मन मचल उठता है, आपके जहन में आता है हाँ ये मुझे खाने की वस्तु यहाँ पे मिल जाएगी, हमारा फेवरेट डिश यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके दोस्तों, इस पूरी दुनिया में चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। नेचर का एक एक दिन का आपको एक संकेत देता है, आपको एक रास्ता दिखता है, आपको सिग्नल देता है, आपको बताता है कि आपके लिए क्या उचित है, आप कैसे कर सकते हो। पर दुर्भाग्यवश हम उनको जानने की कोशिश नहीं करते। वो पल, वो मोमेंट जब हम उनको जानने और समझने लगते हैं तभी से शुरुआत होता है हमारे विकास का। दुनिया की जितनी भी महान से महान चीजें बनी है, एरोप्लेन से लेकर के छोटा सा बंगला, छोटी सी गाड़ी, छोटा सा घर, या घर में जो एक पर्दा भी लगा हुआ, कर्टन लगा हुआ है, इन सारी चीजों को डिसिप्लिन्ड किया गया है, इन सारी चीजों को नट बोल्ट से टाइट किया गया है, इन सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाया गया है। ये हमें एक लेसन देते हैं सारी मटेरियल चीजें कि हमें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। हमारी लाइफ जब तक अनुशासित नहीं होगी हम सफलता के शिखर की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफलता का कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आपके जीवन में आत्मिक सुख जब तक नहीं आता है तब तक सफलता नहीं मिलती है। और दोस्त, आत्मिक सुख तभी मिलेगा जब आपकी लाइफ वेल स्ट्रक्चर्ड होगी, वेल डेवलप्ड होगी और वेल डिसिप्लिन्ड होगी। आप आग को लो, आग के अंदर अच्छा डालो या बुरा डालो, सब वो जला देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब कुछ जलाने का गुण है, वो अपने गुणधर्म को नहीं त्यागता। इसी तरीके दोस्त, आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो गुण हैं, जो चीजें हैं, उन्हें आप मत त्यागो। अपने डिसिप्लिन पर, अपने प्रिंसिपल्स पर अटल रहो, अपने लक्ष्य पर डटे रहो। नदियों को देखो, निरंतर बहते रहते, बहता हुआ पानी, बहता हुआ जल हमेशा निर्मल रहता है, हमें लेशन देता है कि अनवरत अगर हम कार्यरत हैं, कंटिन्यूअसली हम कार्य कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सफलता हमें अवश्य मिलेगी। उस सागर में एक नए दिन तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ बताती है, बस हमें उसके बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है। जब हमें जानकारी लेने की आवश्यकता होती है हम सोचते हैं कि हमें कुछ जानकारी, नई जानकारी मिले, उस समय हम झुक जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड रिजेक्ट करता है, नई चीजों को जानने की कोशिश नहीं करता। दोस्त, नई चीजों को जानने की कोशिश जिस दिन आप करना शुरू करेंगे, जिस दिन आप जिज्ञासु बन जाएंगे, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, ज्ञान का जन्म होगा। और ज्ञान आज के समय की अमूल्य निधि है। मैं आपका दोस्त बलराम तिवारी हमेशा की तरह फिर से आप लोगों की दुआओं, प्यार मोहब्बत
आपके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। आपका दिन शुभ हो, आप सफलता की चरम सीमा पर पहुँचे। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हुए हैं तो प्लीज़ आपके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक्स दीजिए, अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे विचारों को इकट्ठा करके पहुँचाता रहूँगा।